All of you are welcome in SUS Paramedical and Apex Paramedical online classes. पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल जल एवं वायुमंडल और इस पर निवास करने वाले जीव एक विशिष्ट चक्र अथवा प्रणाली या तंत्र में परिचालित होते रहते हैं और प्रकृति या पर्यावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य स्थापित करके न केवल अपने को अस्तित्व में रखते हैं अपितु पर्यावरण को भी स्वचालित करते हैं। इस प्रकार रचना एवं कार्य की दृष्टि से जीव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, इसी को इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रकृति स्वयं एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसे जीवेंडल के नाम से पुकारा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, जैविक घटक बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जैविक घटक एबायोटिक कॉम्पोनेंट। जैविक घटक बायोटिक कॉम्पोनेंट्स घटकों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, स्वपोषित घटक ऑटोट्रॉफिक फैक्टर। वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं अर्थात अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों जल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाकर भोजन बनाते हैं जिनका उदाहरण हरे पौधे हैं। ये घटक उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषित अंश हॉस्टाइल पोषण। ये स्वपोषित अंश द्वारा पैदा किया हुआ भोजन दूसरे जीव द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ये जीव उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जीवीय घटकों को क्रमशः उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। उत्पादक इसमें जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जैसे हरे पौधे वे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां भोजन के रूप में काम लेते हैं जैसे गाय बकरी मनुष्य आदि, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। गौण या द्वितीय सेकेंडरी जो शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे शेर चीता मेंढक मनुष्य आदि, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। तृतीय टर्शरी इस श्रेणी में वे आते हैं जो मांसाहारी को खा जाते हैं जैसे सांप मेंढक को खा जाता है मोर सांप को खा जाता है। अपघटक इसमें मुख्य रूप से जीवाणु तथा कवकों का समावेश होता है जो मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं तथा ये फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। जैविक घटक एबायोटिक कॉम्पोनेंट इनको तीन भागों में बांटा जाता है, जलवायु तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश तापक्रम वर्षा आदि, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि, अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन आदि।